जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं होने वाला, आज मैं आया हूँ एक मेला घूमने। सामने डांस हो रहा है सारी, ये हमारी आंध्र प्रदेश या जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है, और मैं आज आया हूँ अपने घर से 4 किलोमीटर दूर। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है भाई, आज कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैं आया हूँ एक मेला घूमने। क्यों, कहाँ पर आया हूँ मैं? आज मैं आया हूँ वर्ल्ड के सबसे जो है अच्छे मेले में, जो है सूरजकुंड मेले में आया हूँ आज मैं। तो सूरज कुंड मेले का जो एड्रेस है वो है सूरज कुंड रोड फरीदाबाद हरियाणा, और जो इसकी टाइमिंग है वो है दोपहर के 12:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। और जो तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेले के अंदर और आपको दिखाऊंगा मेला क्या है और उसको करते हैं। सूरज कुंड मेला इंटरनल जो है मेला, उसको आज करते हैं एक्सप्लोर और बताऊंगा आपको उसके बारे में सब जानकारी। तो चलो चलते हैं। सूरजकुंड मेला है जो, ये मेला है ये इंटरनेशनल मेला है। तो यहाँ पर जो है आपको हर किसी तरफ के जो है पूरे ऑल इंडिया के जो है सारे जो है डिज़ाइनर कपड़े वगैरह जूते चप्पल मिल सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। मतलब नॉर्मल जो मेला होता है ना वैसे ही होता है, लेकिन जो इसमें इंडिया के जो है सारे जो है आर्ट एंड कल्चर वो है सारा इसमें होता है। दोस्तों मेला घुसने के बाद ही आपको जो है बेहतरीन जो है आपको जो है दुकानें और चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मेले में जो है वो आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी मान लो आपको जो मेले अपन देखे हैं जो पहले जो होते हैं, तो वैसा मेला नहीं, मतलब अलग मेला है। तो आप अपने जो है परिवार के संग या दोस्तों के संग जरूर हैं इस मेले में, तो आपको जो है ज़्यादा मज़ा आएगा वो देखने में। तो ये जो है सामने डांस करते हुए, तो यहाँ पे जो है आपको भारत की जो है पूरी जो है अलग अलग जो स्टेट में जो डांस होता है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो सामने जो डांस हो रहा है शायद ये हमारी आंध्र प्रदेश या केरला का शायद उसका जो है डांस हो रहा है, ठीक है, शानदार पद्धति है ये। इस मेले को जो घूमने में आपको जो है आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको मेले में आपको घूमने, अगर आपको घूमना है पूरा मेला ये, यानी कि पूरा तो आपको देखना है, आपको सारे जो है स्टेट की देखनी है, तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे इस मेला को घूमने में और आपको आएगा बहुत मज़ा। तो आप जो है अपनी फैमिली के संग या दोस्तों के संग जरूर आना, मज़ा क्योंकि तो उन्हीं के संग आएगा आपको। आपको जो है आपको भारत की जो खूबसूरती आपको देखनी है, तो आप ये सूरज के मेले में जो आप जरूर आए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में। आपको जो है वो भारत की जो है जो कला संस्कृति है उसके बारे में आपको पता लगेगा। दोस्तों
तो अब बात करते हैं सूरजकुंड मेले के टाइम टेबल और शेड्यूल के बारे में। तो जो सूरजकुंड का मेला है वो तो साल में जो है एक बार लगता है। इस बार जो 2022 में जो मेला लगा है वो लगा है 19 अप्रैल से 4 मार्च के बीच में जो मेला लगा है, और टाइमिंग जो है वो 12:30 से लगभग 8 से 9 बजे तक होता है रात के। तो आप जो है इसके बीच में जो है कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने जो टिकट ली है वो मेरी टिकट पड़ी है करीबन 120 रुपये की मेरी टिकट पड़ी है। और जैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड या कुछ और उससे करते हैं तो आपको जो है टिकट आपको उससे भी सस्ती मिल जाएगी। आपको जैसे आप स्टूडेंट है जैसे कोई आता है तो उसको जो टिकट है वो 120 रुपये से कम ही पड़ेगी। कोई आईडी कार्ड दिखाता अपना तो उसको जो है टिकट कम पड़ेगी। तो मैंने जो है अपनी कोई आईडी नहीं दिखाई तो मेरी जो टिकट है वो 120 रुपये लगी। जैसे आप कोई भी कर आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, जो 60 साल जो ऊपर जो होते हैं तो उनको जो है थोड़ा सा और उनको जो कन्फेशन मिल जाता है, थोड़ी राहत मिल जाती है उनको टिकट में। मिला के तो मेला जो है सूरजकुंड का मेला जो है वो मतलब ठीक ठाक है। अगर किसी को जो है जो प्यार है नेचर से, भारत से प्यार है, भारत के जो सभी स्टेट हैं उनके बारे में जानना है तो इस मेले में आप आ सकते हैं। और इस मेले में आपको जो है आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी उन स्टेट के बारे में, जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट के बारे में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो है सामान बिकते हैं यहाँ पर, तो जो आप जो है किसी भी स्टेट के जो वगैरह जो होते हैं कुछ कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह जो होते हैं जो बिकते हैं उन स्टेट के, तो वो भी आप ले सकते हैं इस मेले में। आपको मतलब पैसे से आपको खरीदने पड़ेंगे तो आप वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो आपने जो है आपने और भी जो है मेले देखे होंगे, तो जो आपने वो पहले वाले जो मेले देखे हैं जो आपने देखे हैं अपने जो है स्टेट में अपनी लोकेलिटी में, तो उन मेलों में और इस मेले में बहुत अंतर होता है। जो है ये जो मेला था जो है इंटरनेशनल मेला है, आपको जो है मज़ा ज़रूर आएगा इस मेले को देखने में। तो काफ़ी बढ़िया होता है मेला देखने में, मज़ा तो आता ही है। खैर, जो आपको जो है सारी चीज़ की जानकारी मिलती है इस मेले में देखने को मिलता है, और आपको जो है झूले भी मिलते हैं इसमें। जैसे और जो मेले होते हैं ना उसके जो उसमें होते हैं झूले वगैरह होते हैं बच्चों वाले, तो वो भी मिल जाते हैं आपको, मज़ा आपको मिलती है, नॉलेज भी मिलती है आपको। इंटरनेशनल मेला है तो इसमें जो है दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए। सूरजकुंड इंटरनेशनल मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो है सूरजकुंड मेले का जो व्लॉग है मेरा और आपको जो जानकारी आपको पसंद आई होगी ना। तो आगे जो वीडियो मेरी आने वाली है वो आने वाली है ट्रैवल व्लॉग, तो इस वीडियो को देखने वाले मेरे पहले वाले ट्रैवल व्लॉग को देख लेना। तो इसी के तंग मैं करता हूँ वीडियो को दिए, तो देखते रहिए आरएस इंडियन व्लॉग। नमस्कार एंड जय हिंद जय भारत।